हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अब स्टार्ट हो चुका है फरवरी, और फरवरी मार्च में हमें कुछ जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं तो उनकी केयर करनी है थोड़ी, ताकि हम आने वाले टाइम में अपने प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी देखने को मिले और प्लांट को खाद फर्टिलाइज़र वगैरह इस टाइम देंगे। तो कौन कौन से काम हमें कर लेने चाहिए, तो वही मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स जो आप अपने परमानेंट प्लांट के साथ कर सकते हो। तो जो प्लांट हमारे डोरमेंसी में गए हुए थे विंटर से पहले, तो उन्हीं प्लांट में हमें ये काम करना है, ताकि प्लांट की ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें देखने को अच्छी देखने को मिले। और तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा एक फ्लोडेंड्रन का प्लांट है, तो और यहीं पे ये स्नेक प्लांट है। तो सभी में आप देख सकते हो इस टाइम पे सर्दी के मौसम में ना, कि बिल्कुल भी सूख नहीं आते और कम पानी की ज़रूरत होती है। तो प्लांट में बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हो, इसको मुझे कई दिन हो गए हैं पानी दिए हुए, ये लगा लो 10 से 15 दिन ही हो गए, फिर भी आप इसकी मिट्टी देखिए कितनी मॉइस्ट है बिल्कुल। तो इस तरह से आप अगर सभी प्लांट्स में ये जो हमारे परमानेंट है, तो उनमें इसी तरह से मिट्टी गीली हो रखी होगी, तो इसमें आप गुड़ाई कर सकते हो अच्छे से। और जो वीड्स वगैरह हैं प्लांट में इस तरह के, तो उन्हें बिल्कुल हटा दीजिए अपने प्लांट के पॉट में से। तो इस तरह से आप इनके सारे गमलों की आप गुड़ाई कर सकते हो, जो भी आपके परमानेंट प्लांट हैं, तो सभी गमलों की आप सफाई कर लें इस टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा होगा। गुड़ाई आप ज़रूर करें, गुड़ाई बहुत ज़रूरी है प्लांट में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से देखिए, सभी प्लांट में मेरे सबकी पत्तियां रिमूव हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप पॉट की बिल्कुल क्लीनिंग कर लें, और आप इसमें अच्छे से गुड़ाई कर दें, ताकि रूट्स को एयर सर्कुलेशन मिले अच्छे से, तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा प्लांट आपका। तो इस तरह से आप गुड़ाई ज़रूर कर दें प्लांट में। तो अगला दोस्तों, आप अपने प्लांट की, जिस भी प्लांट की सेप ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ओवर ग्रोथ हो चुके हैं, तो उनकी आप इस तरह से प्रूनिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो, ये मैंने मेरे टिकोमा के प्लांट की प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि अब फरवरी का मौसम है दोस्तों, इस टाइम पे आप अपने प्लांट की, किसी भी प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हो, तो अच्छी सेप आप दे सकते हो इस टाइम पे प्लांट को, जो भी आपके डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं वो प्लांट। तो जब भी आप प्रूनिंग करें, तो सारी पत्तियाँ, आप जो भी पुरानी पत्तियाँ हैं उनको प्लांट से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। देख सकते हो आप, इस पर आपको कोई भी पत्ती नहीं दिख रही होगी, पुरानी पत्तियाँ सभी को रिमूव कर दें अपने प्लांट से। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरे चंपा का है, तो चंपा में तो वैसे तो सारे पत्ते अपने आप से ही झड़ जाते हैं, अगर रह रहे हैं तो उनको आप रिमूव कर सकते हो। तो इनको भी आप कटिंग इनकी भी आप कर सकते हो उस टाइम पे। तो अच्छी सेप देने के लिए आप कटिंग ज़रूर करें। और अगला है दोस्तों, कि प्लांट की हम कब रिपोर्टिंग करें। तो बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारे प्लांट जो हमने विंटर में लाए हुए हैं, तो उन्हें हम कब रिपोर्ट करें। तो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट टाइम है प्लांट की रिपोर्टिंग करने का। तो मैंने तो कुछ प्लांट रिपोर्ट करे हैं, कुछ रह भी रहे हैं, तो इस टाइम पे आप अपने कोई भी प्लांट के, जो भी आपके परमानेंट प्लांट हैं नर्सरी से लाए हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर रिपोर्ट करें, तो ये बेस्ट टाइम होता है रिपोर्टिंग का। और अगला है दोस्तों, जो भी आपके अगर प्लांट की किसी भी प्लांट रूट बाउंड हो रखा है, तो रूट बाउंड हो रखा है दोस्तों, तो उसकी आप रूट प्रूनिंग कर सकते हो। प्लांट को निकाल लीजिए, और बिल्कुल साइड से पूरी मिट्टी को किसी चक्कू वगैरह की हेल्प से, किसी टूल वगैरह की हेल्प से आप साइड से इस तरह से मिट्टी को कट कर दीजिए, और प्लांट को अच्छी मिट्टी दीजिए, तो उसको आप फिर से रिपोर्ट कर दीजिए रूट प्रूनिंग करके, अगर आपका कोई भी रूट बाउंड हो रखा है तो। और प्लांट की प्रूनिंग आप रूट प्रूनिंग के बाद प्लांट की प्रूनिंग भी कर सकते हो, और प्रूनिंग के बाद इस तरह से देखिए, मैंने ये कटिंग भी लगाई है टिकोमा के, जो प्रूनिंग मैंने करी थी, तो उसकी इसमें मैंने मैंने ये कटिंग लगा दी है। तो
तो कटिंग भी आप इस टाइम पे लगा सकते हो, कटिंग लगाने का भी बेस्ट टाइम है दोस्तों। तो अगला दोस्तों, आप रूट प्रूनिंग के बाद अगर अपने प्लांट को खाद फर्टिलाइज़र दे दीजिए जो भी आप, क्योंकि अब उनको पत्तियों का निकलने का टाइम है, नई नई ग्रोथ आपको प्लांट पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो गोबर के खाद, वर्मी कंपोस्ट 2 से 3 मुट्ठी आप सभी प्लांट में अपने गुड़ाई करके अच्छे से इस टाइम पे दे सकते हैं। जो भी आपके परमानेंट प्लांट हैं जो डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, तो उनमें आप खाद ज़रूर दीजिए, वो भी नाइट्रोजन वाली। आप काउडंक मैन्योर या गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद आप दे सकते हो। और दोस्तों, कुछ प्लांट आपने जो भी अपने शेड में रखे हुए हैं ठंड से बचाने के लिए, कोहरे से बचाने के लिए, उन्हें आप बिल्कुल धूप में शिफ्ट कर सकते हो अब, क्योंकि अब बहुत अच्छा मौसम भी हो गया है और धूप भी बहुत ही अच्छे से मिलने लगी है और कोहरा भी अब इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है। तो परमानेंट प्लांट को आप धूप में शिफ्ट कर सकते हो इस टाइम पे। और दोस्तों, अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है फर्टिलाइज़र, ह्यूमिक एसिड का फर्टिलाइज़र, तो वो आप अपने प्लांट को ज़रूर दें, क्योंकि वो रूट्स को अच्छे से मजबूती देता है और प्लांट के ग्रोथ में भी अच्छी हेल्प करता है। वो आप 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में घोल के अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं आप। तो ह्यूमिक एसिड का काम प्लांट को डोरमेंसी से बाहर लाना और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये काम आप ज़रूर कर लीजिए अपने प्लांट में, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है सभी परमानेंट प्लांट को ग्रोथ लेने के लिए, ये टाइम होता है सभी का। तो आप ये काम ज़रूर करें। बाय दोस्तों।